बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज यानी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। अशोकनगर पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां धीरेंद्र शास्त्री ने पहले तो बागेश्वर धाम के भक्तों को अपने चिर परिचित अंदाज में संबोधित किया, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए विरोधियों पर तीखे प्रहार भी किए। शुक्रवार को बागेश्वर धाम प्रमुख कानपुर के अशोक नगर पहुंचे। यहां समर्थकों ने जगह जगह उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, ढोल नगाड़ों के साथ उनके काफिले की अगवानी की। धीरेंद्र शास्त्री पहले तो पवनतनय आश्रम पहुंचे, उसके बाद समाज सेवी और श्री बालाजी सेवा समिति के संस्थापक सुनील शुक्ला के घर पहुंचकर एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। आज हम जो है पूर्व में कानपुर में पवनतनय आश्रम में कथा होनी थी, किसी कारणवश उस वक्त की परिस्थितियों के कारण स्थगित हो गई थी। आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए, उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन किए जाने को लेकर सीएम योगी के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि यह निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, यहाँ धीरेंद्र शास्त्री ने जब पाठ्यक्रम में रामचरितमानस और महाभारत का अंश शामिल किए जाने को लेकर हो रहे विरोध पर सवाल पूछा गया तो वो विरोध करने वालों पर बरस पड़े। ये विरोध करने वाले रावण के खानदान के हैं, इनकी ठठरी बारो, हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदुस्तान में राम के राष्ट्र में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले यज्ञ और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए समूचे कानपुर को न्योता भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।